हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो भूगोल प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन की जो सीरीज चल रही है, उसमें ये आज पार्ट थर्ड है और इसमें हम उससे आगे की यूनिट हम देख रहे हैं। तो इससे पहले एक जरूरी बात कि जिन्होंने भी हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन करें। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इस यूनिट में। तो ये देखिए, इकाई थर्ड है, प्राथमिक क्रियाएं, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। सबसे पहले विकल्प दिए हुए हैं, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गेहूं। गेहूं रोपण फसल नहीं है। अब अगला है, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खा वाला, डेनमार्क। ठीक है, अगला देखते हैं, फूलों की कृषि कहलाती है, तो इसको हम बोलते हैं पुष्पोत्पादन। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोपण कृषि। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेजन बेसिन जाति। ठीक है, आगे देखते हैं, अब अगला है छठे वाला, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि के लिए जानी जाती है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि। ठीक है, खा वाला उत्तर हो जाएगा इसका। अगला है, निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? कौन सा? कर्तन दहन। तो इसका उत्तर हो जाएगा आदिकालीन निर्वाहक कृषि, यानी कि खा वाला उत्तर। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिश्रित। ठीक है, मिश्रित कृषि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? कौन सा पूछा है? तृतीयक क्रियाकलाप। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यापार। अगला है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मछली पकड़ना। अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो वो सेक्टर है सेवा। ठीक है, अगला है, वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं? उच्च परिमाण और स्तर, ये होते हैं पंचम क्रियाकलाप में। ठीक है, तो खा वाला उत्तर रहेगा। और आगे भी है एक विकल्प, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्वविद्यालयी अध्यापन। ठीक है, अब देखते हैं रिक्त स्थान। तो पहला है च्युइंगम रिक्त स्थान वृक्ष के दूध से बनती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जेपोटा। उत्तर में बाद में आपको सभी बता दूंगा, अभी आप मेरे साथ समझे, जेपोटा आएगा इसमें। ठीक है, अगला है, अलास्का के उत्तरी प्रदेशों में रिक्त स्थान का पालन किया जाता है, तो रेंडियर। किसका पालन किया जाता है? रेंडियर का। ठीक है, अगला है, अनुकूल भौगोलिक दशाओं के कारण पर्वतीय ढलानों का उपयोग रिक्त स्थान की कृषि के लिए किया जाता है, तो चाय बागानों। क्या जाएगा इसमें? चाय बागानों। अगला है, रिक्त स्थान पुष्प उत्पादन में विशिष्टकरण रखता है, तो वो कौन सा देश है? नीदरलैंड। कौन सा देश? नीदरलैंड। अगला है, जिन प्रदेशों में कृषक केवल सब्जियां पैदा करते हैं वहां इसे रिक्त स्थान का नाम दिया जाता है, ट्रक कृषि। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ट्रक कृषि। अगला है, अयस्क धरातल के नीचे गहराई से निकालना रिक्त स्थान खनन विधि कहलाता है, तो इसको बोलते हैं कूपकी। क्या बोलते हैं? कूपकी या भूमिगत खनन विधि। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों में भिन्न भिन्न दिनों में भिन्न भिन्न स्थानों पर लगने वाले बाजार क्या कहलाते हैं? तो इनको बोलते हैं आवधिक बाजार। ठीक है, क्या बोलते हैं? आवधिक बाजार, या फिर उसको हम साप्ताहिक बाजार भी बोल सकते हैं।
अब इसमें सत्य सत्य पूछे नीचे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है। तो देखिए ये आपको जितने भी विकल्प दिए हुए मैं आपको बता देता हूं। बाह्य स्त्रोतन दक्षता को बढ़ाता है और लागतों को घटाता है, ये सत्य है। तो पहले वाला सत्य है। कभी कभार अभियांत्रिकी और विनिर्माण कार्यों में भी बाह्य स्त्रोतन की जा सकती है, ये भी सत्य है। अगला है बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं, ये भी सही है। और अगला है कामों के बाह्य स्त्रोतन करने वाले देशों में काम की तलाश करने वाले वालों में असंतोष पाया जाता है, तो ये असत्य है। ठीक है, तो कौन सा उत्तर रहेगा इसमें, हमारा घ वाला उत्तर रहेगा। ठीक है, तो इस और हाँ ये सभी रिक्त स्थानों के उत्तर रहे जो मैं बताना भूल गया था, ये सभी आप देख लें। थैंक्स अगेन।